सब तो आज हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3, सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है अपने कंटेंट और स्पिरिट के अंदर, दो से जो बोरो किया है ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसकी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो उसे डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। अब देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इट शुड बी नोटेड एट द आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडोप्टेड इन 1949 हैव अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट जो हुए थे, 7th अमेंडमेंट से, 42nd से, 44 से, 73rd से, 74th से, 97th एंड 101th अमेंडमेंट। इनफैक्ट जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द इम्पोर्टेंस एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस जो इस एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए वेरियस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। हाउएवर इन केशन ऑफ द भारती केस इन 1973 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 उसको एनेबल नहीं करती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर पाए। अब देखते हैं सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो फर्स्ट है हमारा वो है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लासीफाई होता है रिटन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन लाइक ब्रिटेन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लेंथियस्ट है सभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत ही कॉम्प्रेंसिव और इलेबोरेट और डिटेल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनली 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल था, 495 आर्टिकल्स से जो 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, 8 शेड्यूल्स से। प्रेजेंटली 2019 की बात करें तो 470 आर्टिकल्स इन कंपैरिजन टू 395 आर्टिकल्स जो पहले थे, और जो अब हैं 470 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट में डिवाइड है और 12 शेड्यूल्स हैं। और सिंस 1951 तक बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जो हो चुके हैं जिन्होंने 20 आर्टिकल डिलीट कर दिए हैं और एक पार्ट 7 और ऐड कर दिए 95 आर्टिकल्स और 4 पार्ट्स और 4 शेड्यूल दैट इज़ 9, 10, 11 एंड 12। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। और नीचे 4 फैक्टर्स दिए हैं जो रीज़न बताए जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलिफेंटाइज जो बड़ा साइज है उसके, उसमें पहला है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इज़ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। सेकेंड इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो खुद एक बल्कि है। थर्ड है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। फोर्थ है डोमिनेंस लीगल ल्यूमिनरीज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के अंदर जो लीगल पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा थी। तो 4 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको। जो फर्स्ट वन इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, बी इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर, सी इज़ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए, और डी है जो डोमिनेंस था लीगल पर्सनैलिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के अंदर। अब देखते हैं, और इसको आप शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद भी कर सकते हैं कि आपको ये स्टार्टिंग कीवर्ड्स याद होने चाहिए बस, कि GSHD, जी फॉर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर रहे होंगे डी से कुछ, और डोमिनेंस। तो जब भी आपको स्टार्टिंग थोड़ी याद रहती है तो उससे आप आराम से जो उसके बैकग्राउंड जो आपके माइंड में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको ईजिली याद आ जाता है। तो आगे मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस लेकिन ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, फर्दर वो मैटर्स भी दिए हुए हैं जो अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर छोड़ दिए जाते हैं जो सिंपल कानून के लिए ही, और एस्टेब्लिश पोलिटिकल कन्वेंशन डेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इट सेल्फ इन इंडिया। अब सेकेंड फीचर देखते हैं कि ड्रोन हुआ है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसमें जो फर्स्ट है वो बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रोबेबली अकल जिन्होंने मान लिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फ्रेम किया गया आफ्टर रेनसेंकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें दिया गया कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट था गवर्नमेंट का, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। तो आप इसे GSS से हमेशा याद रखेंगे कि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि इसमें स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया था, पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया गया था, फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लिया था। तो आप हल्का सा ये ट्रिक यूज़ करके आपको जब सभी ऑप्शन मैच करने के लिए आएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया था और जो फिलोसफिकल पार्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट इज़ द फंडामेंटल राइट्स NDPSP, उसकी जो इंस्पिरेशन मिली थी वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो आप जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैनेडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, नाउ जिसे रशिया बोलते हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। और मोस्ट प्रोफाउंड जो इन्फ्लुएंस था, सोर्स और मटेरियल जिससे लिया गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डेट इज़ जो फेडरल स्कीम थी, जुडिशरी, गवर्नर, एमरजेंसी पावर्स प्रोविज़न, जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी। गाइज आपको ये कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पूरी टेबल डिस्कस करेंगे कि कौन सा फीचर किस कंट्री से लिया गया है। अब थर्ड देखते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लासीफाई किया जाता है रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में, कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके स्पेशल प्रोविज़न की जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट के लिए, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है दूसरे हाथ पे, वो होता है जो केवल इसी मैनर में हो जाता है जैसे ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो तो ना ही रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, डेट इज़ स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की, डेट इज़ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप की। ये आपको हमारे जो वीडियो है इसका जो 10th चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे क्लियर हो जाएगा जब आप वो देखेंगे। सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाई अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट। कि इसमें क्या होता है कि जब कोई फेडरल फीचर चेंज करना होता है तो उसमें जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, और रेटिफिकेशन की जाती है स्टेट्स के, और स्टेट के अंदर चाहिए सिंपल मेजोरिटी। एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है कि कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाला प्रोविज़न है वो अमेंडमेंट जो आर्टिकल है हमारा 368 के अंदर नहीं आता। अब फोर्थ फीचर देख लेते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेट इज कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। कि क्या क्या फीचर होते हैं फेडरलिज्म की, मीन्स टू गवर्नमेंट, डिवीज़न ऑफ पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकमिलिज्म की डबल हाउस सिस्टम। हाउएवर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर, डेट इज़ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ए सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सीबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड ऑल इंडिया सर्विस, एमरजेंसी एंड सो ऑन। मोरओवर जो टर्म है ये फेडरेशन, ये कहीं भी यूज़ नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आर्टिकल 1 है हमारा दूसरी तरफ, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, विच इम्प्लीवाइज दो थिंग्स बताती है वो, कि इंडियन फेडरेशन जो है वो रीजन नहीं है स्टेट के बीच का एक एग्रीमेंट, और दूसरा कि कोई सी भी स्टेट को राइट नहीं है टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन से अलग होने का किसी भी स्टेट को राइट नहीं है। पहला कि जो फेडरेशन बना हुआ है वो जो स्टेट के बीच में हुआ हुआ कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये आर्टिकल 1 है हमारा। और नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि हेंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब किया जाता है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन कोट इट एनीवेयर। और जो KC वियर थे उन्होंने इसको क्वाजी फेडरल बोला गया था, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनविल एंड ऑस्टिन जो थे, और फेडरलिज्म विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी बाय योर जेनिंग एंड सो ऑन। अब फोर्थ फीचर देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने ऑप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेस है
प्रिंसिपल किस पे, कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल वो गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, या कैबिनेट। और कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ना ही सेंटर में केवल स्टेट के अंदर भी। तो फीचर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, इसमें कुछ फीचर्स दिए हैं, बाकी हम पार्लियामेंट्री जो सिस्टम का चैप्टर है उसमें करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल इज दैट इज प्रेजिडेंट एट द सेंटर एंड गवर्नर इन द स्टेट, रियल एग्जीक्यूटिव पीएम एट द सेंटर एंड सीएम इन द स्टेट, मेजोरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की टू द लेजिस्लेचर एंड इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डी इज मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर में, लीडरशिप पीएम की, और डिसोल्यूशन लोकसभा का और असेंबली का। इवन दो जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लार्जली बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच में। फॉर एग्जांपल जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है। फर्दर अब इसका जो रीज़न है वो भी हम आपको पार्लियामेंट फॉर्म जो चैप्टर है उसके एंड में मिल जाएगा। फर्दर जो इंडियन स्टेट्स है हैड बीन एन इलेक्टेड हेड, डेट इज ये रिपब्लिक है हमारी, वाइल जो ब्रिटिश स्टेट है उसका एक हेरिडिटरी हेड है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में वेदर जो है इंडिया के अंदर है चाहे ब्रिटेन के अंदर, कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो इतना क्रूशल हो चुका है, सिग्निफिकेंट हो चुका है, कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलने लगे हैं। अब सिक्स पॉइंट देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियली सुप्रीमेसी। तो जो डॉक्ट्राइन है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की वो एसोसिएटेड है विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का वो है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको क्लियर है ना, कि अभी आपको ऊपर भी बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक सोवरेन पार्लियामेंट है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिया हुआ कि एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो डिफर करता है ब्रिटिश सिस्टम से, तो जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर जो नैरो है देन वॉट एग्जिस्ट इन USA, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, जो कंटेन है आर्टिकल 21 में। अब जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसमें क्या होता है कि जो रूल्स रेगुलेशन भी बनते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो मॉरलिटी के हिसाब से कि वो सही है या नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है उसमें वो सेकंड हमारे जो है वो कंसिडर नहीं होता, बस रूल बना दिया जाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चलता है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सेपरेटली हम पार्लियामेंट चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, देयरफॉर जो फ्रेमर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रीफर करते हैं प्रॉपर सिंथेसिस ब्रिटिश प्रिंसिपल जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का वो, और अमेरिकन का जो प्रिंसिपल है किसका, जुडिशियल सुप्रीमेसी का। और जो सुप्रीम कोर्ट है एक तरफ डिक्लेयर करता है पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और पार्लियामेंट दूसरे ही तरफ अमेंड कर देती है मेजर पावर कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पावर। तो इट्स अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और सेवन पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश करता है जुडिशियल सिस्टम डेट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कंट्री के अंदर, और उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे। हाई कोर्ट के अंदर जो आती है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट। वो जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का वो ही एनफोर्स करता है सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी, अनलाइक USA में जहाँ पे जो फेडरल लॉज हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी के द्वारा, और स्टेट लॉज हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं स्टेट जुडिशरी के द्वारा। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक फेडरल कोर्ट है जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स के सिटीजन के, और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। हैंस जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, डेट इज सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशन जजेस की, और जो सभी जो सारा एक्सपेंसिस है सुप्रीम कोर्ट का वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। प्रोहिबिट करती है डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, बैन करती है प्रैक्टिस पे आफ्टर द रिटायरमेंट, और पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। लास्ट है सेपरेशन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव, डेट इज आर्टिकल 50 एंड सो ऑन। अब देखते हैं एट फीचर जो कि फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज
राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 to 24, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डेट इज़ 25 to 28, एंड कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30, लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डेट इज आर्टिकल 32. अब देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मीन से प्रमोट करने के लिए आइडिया किसका, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का. और ये ऑपरेट कैसे करते हैं, एज ए लिमिटेशन करते हैं एग्जीक्यूटिव और अर्बिट्रेटरी एक्शन लेजिस्लेचर का. और ये इनजस्टिसेबल होते हैं नेचर के अंदर, डेट इज़ इनके अनफोर्सेबल के लिए कोई अगर ये वॉयलेट होते हैं तो कोर्ट में मूव कर सकते हैं. और जो एग्री पर्सन है कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू द रिट्स ऑफ हबेसियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेंचुरी, क्यो वारंटो, फॉर इज रिस्टोरेशन. जो जितने भी रिट्स हैं फंडामेंटल राइट चैप्टर में आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे. हाउएवर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. कि ये नहीं कि ये पत्थर की लकीर हैं कि इनसे क्रॉस नहीं करना है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के हैं. और ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी लगा सकते हैं, और डिसाइड कौन करता है, वो कोर्ट करता है. और ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट मीन्स परमानेंट नहीं है, एंड कैन बी कर्टेल और रिबिल्ड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और ये सस्पेंड भी किए जाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट जो आर्टिकल होता है 20 और 21. ये हम इमरजेंसी में डिस्कस, आप इमरजेंसी की वीडियो देख चुके हैं या देख सकते हैं. नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो जो B.R. अम्बेडकर है उन्होंने बोला था DPSP को एक नोवल फीचर, और वो इनमेटेड है हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के. और क्लासीफाई होते हैं 3 बोर्ड कैटेगरीज में, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल. आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो 3 क्लासिफिकेशन की है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है. और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो मेन है फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. हमने ऊपर देखा जो फंडामेंटल राइट है वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लेकिन जो DPSP है वो प्रमोट करते हैं आइडिया सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का. और दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इंडिया के अंदर. हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, जो डायरेक्टिव है नॉन जस्टिसेबल है नेचर के अंदर, डेट इज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वॉयलेशन. येट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इटसेल्फ डिक्लेयर करता है कि प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल है गवर्नेंस में कंट्री के, ये ड्यूटी है सभी स्टेट्स की अप्लाई करें इन लॉ के मेकिंग में इन प्रिंसिपल को. हाउएवर ये इम्पोज करते हैं एक मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर कि इनका अप्लीकेशंस करें, बट जो रियल फोर्स है बिहाइंड दिस इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन. और मिनरल मिल केस 1980 का सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाउंड हुआ है बेड रॉक पे, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो ये हम पूरी सिक्वेंस पढ़ेंगे DPSP चैप्टर में कि चंपारण दौराराजन जो केस 1951 से स्टार्ट होगा और मिनरल मिल केस भी 1980 तक क्या चला, वो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं. अब 10th देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. तो ये ऐड हुए थे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बाय 42nd अमेंडमेंट. किसकी रिकमेंडेशन पे? सवर्ण सिंह कमेटी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो CVC ऐड हुए थे इट्स ऑल ऑन संथाम कमेटी रिकमेंडेशन. और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, उसने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई. और पार्ट 4 है ए और कॉन्स्टिट्यूशन का, विच कंसिस्ट ऑफ वन आर्टिकल डेट इज 51A, स्पेसिफाई करता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हम फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर में सारी ही पढ़ लेंगे. और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सर्व करता है एज अ रिमाइंडर सिटीजन को कि वाइल इंजॉइंग देयर राइट दे ऑल्सो हैव टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज जो कंट्री की तरफ वो करते हैं और सोसाइटी की तरफ और देयर फेलो सिटीजन्स. हाउएवर अनलाइक द DPSP जो ड्यूटीज हैं ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल है नेचर के अंदर. 11th फीचर देखते हैं, सेकुलर स्टेट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का स्टैंड फॉर सेकुलर स्टेट, हैंस इज डज नॉट अपोल एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट. और वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल द 17 पॉइंट्स, दैट इज अ सेकुलर स्टेट. दो ये फॉलोइंग प्रोविजन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो रिवील करते हैं सेकुलर करेक्टर इंडियन स्टेट का. पहला है जो सेकुलर टर्म है वो एडिड हुई थी प्रीएम्बल के अंदर बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. और बी है जो प्रीएम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप.
द स्टेट शैल नॉट डिफाइन टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ईबीएल एंड ईपीएल। गाइज ये 14 से लेके 16 जो हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे वहाँ सारे डिफाइन करेंगे डिटेल में। यहाँ नाम इनके याद रख सकते हैं कि जो सेकुलर करेक्टर है वो किसने से कितने आर्टिकल्स में डिफाइन है, 14 टू 16 एंड देन 25 टू 30 एंड लास्ट जो हमारा DPSP है वो है 44th, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिफाइन है। तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो बताता है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में कंप्लीट सेपरेशन, और ये नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो इन एप्लीकेबल है इंडियन सिचुएशन में, जहाँ पे जो सोसाइटी है मल्टी रिलीजियस है वहाँ पे स्टेट और रिलीजन सेपरेट नहीं है। हैंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एम्बाइड करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का, डेट इज़ गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट सभी रिलीजन को और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। Moreover, the constitution has also abolished the old system of communal जो representation था, that is reservation of seats in legislature, किसके basis पे, religion के basis पे। However, वो provide करते हैं temporary reservation SC और STs के लिए to ensure adequate representation to them। अब 12th feature देखते हैं, universal adult franchise। वो कहता है कि जो Indian constitution है adopt करता है universal adult franchise as a basis of election टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कोई भी सिटीजन है कि जो 18 से नीचे नहीं है उसके राइट है वोट करने का बिना ही डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSP, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन से, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। और जो वोटिंग एज है 18 से 21 कर दी गई थी बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इंट्रोडक्शन है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक बोल्ड स्टेप था जो कि हाई रिमार्केबल है इन द व्यू ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कंट्री और उसकी ह्यूज जो पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, सोशल इनइक्वलिटी और ओवरवेलमिंग इलिटरेसी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेक डेमोक्रेसी अ ब्रॉड बेस, एम्फेसाइज द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को, अनेबल करता है जो माइनॉरिटी को कि प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन अप अ न्यू होप्स एंड विस्टास फॉर वीकर सेक्शन। 13 पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप का। दो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, एम्फेसाइज करता है एक ड्यूअल पॉलिटी डेट इज सेंटर और स्टेट, लेकिन इट प्रोवाइड फॉर ओनली अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज इंडियन सिटीजनशिप, ओनली सिंगल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, इज ऑल्सो सिमिलर इन द कैनेडा। और ये सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है किस आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली मेंशन है ये पूछा जाता है कि इट्स आर्टिकल 9, तो आप याद रखिएगा। इन कंट्रीज लाइक USA ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ USA पर वो एक पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन होता है। ही ऑल्सो एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉय ड्यूअल सेट ऑफ राइट, कि जो एक नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा कन्फर्म किए गए और एक जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, बट इंडिया के अंदर जो सभी सिटीजन होते हैं इरेस्पेक्टिव वो किस स्टेट के हैं और कहाँ बोर्न हुए हैं, कहाँ रहते हैं, इन्जॉय करते हैं सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। डिस्पाइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का और यूनिफॉर्म राइट्स का सभी लोगों के लिए, इंडिया के अंदर विटनेस करता है कि कम्युनल रिवर्ट्स भी होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी है, कास्ट का वार भी है, कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी क्लैश है और एथनिक डिस्प्यूट्स भी हैं। दिस मीन्स दैट द चेरिश्ड गोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कि बिल्ड करना यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन, वो अभी तक फुली रियलाइज नहीं हुआ है। अब 14 पॉइंट देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडीज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑर्गन गवर्नमेंट के, डेट इज सेंट्रल और स्टेट, पर इसने एस्टेब्लिश भी किया है इंडिपेंडेंट बॉडीज और ये वर्क करती हैं एज अ बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो 4 बॉडीज हैं। फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन, इज आर्टिकल 324, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में आप देख सकते हैं जाके, आर्टिकल 46, UPSC आर्टिकल 315 टू 323 और SPSC, ये पूरी 315 से 323 तक आप जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का सीरीज देख सकते हैं, इसमें आ गई चैप्टर्स में। अब देखते हैं 15 पॉइंट, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन।
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजन और एनेबल करता है प्रेसिडेंट को कि वो मीट करे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। और जो रीज़न था इन्हें लाने का वो था कि सेफगार्ड कर सकें सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को। द कॉन्स्टिट्यूशन एनवर्साइज थ्री टाइप की इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसी 352 और स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेजिडेंट रूल बोलते हैं, और डेट इज एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हम इमरजेंसी चैप्टर में पूरी एक्सप्लिसिटली हमने पूरी डिफाइन और एक्सप्लेन की गई है आपको। ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही ऑल बिकम ऑल पावरफुल एंड स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, और वो कन्वर्ट कर दिए जो फेडरल सिस्टम को यूनिटरी में। तो ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में देखिए, फीचर कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इमरजेंसी पर टिक लगाएंगे। और इस काइंड का ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल सिस्टम में फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी, कि फेडरल होता है नॉर्मल टाइम्स में, यूनिटरी फ्रेंचाइज के इमरजेंसी के अंदर यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 16 देखते हैं, थ्री टायर गवर्नमेंट है। ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है लाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल पॉलिटी के लिए प्रोवाइड करता था, कंटेन्ड प्रोविजन विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन और पावर ऑफ सेंटर और स्टेट की ही केवल। लेटर लेकिन जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के, उन्होंने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया जो कि लोकल होता है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो फाउंड नहीं करता किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ल्ड का है। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड किया, और जो 73rd अमेंडमेंट है 1992 का उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर दी थी पंचायत को, डेट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट, बाई एडिंग न्यू पार्ट 9 एंड न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जो 74th अमेंडमेंट है 1992 का गेव कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन म्यूनसिपैलिटीज को, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज, बाई एडिंग अ पार्ट 9A एंड एन न्यू शेड्यूल 12 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 17 दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2011 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और प्रोटेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और इस कंटेक्स्ट में तीन चेंजेस लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर इसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 43B में इसने एक न्यू DPSP इंक्लूड करा फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड फ्रॉम आर्टिकल 243ZS टू 243ZT एक नया पार्ट 9B इज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंटाइटल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो नया पार्ट है 9B वो कंटेन करता है वेरियस प्रोविजन इंश्योर करने के लिए यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कंट्री के अंदर फंक्शन करें इन अ डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में, और ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को इन रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू मेक द अप्रोप्रिएट लॉ। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि फर्स्ट है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। जो क्रिटिसिज ओपन डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल, ये डिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और अ बैग ऑफ बोरोइंग और अ होजपोज कॉन्स्टिट्यूशन और अ पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर ये क्रिटिसिज्म है कि अनफेयर है और इलॉजिकल है, बिकॉज जो फ्रेमर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने बहुत सारे नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए हैं, जो फीचर उन्होंने उठाए हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के से भी फॉर अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जो इंडियन की कंडीशंस थी। देख लेते हैं कि इस आंसर करने के लिए क्रिटिसिज्म को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने कहा है कि वन लाइक्स टू आस्क वेदर देर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मोर देन 100 ईयर हैव रोल्ड ओवर व्हेन द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ड्राफ्ट किया गया, और इट हैज़ बीन फ्लोड बाई मैनी कंट्रीज, जो रिड्यूस कर रही थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित में, क्या स्कोप था, वाट इज द स्कोप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज़ लॉन्ग बीन शटल्ड, सिमिलरली वॉट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकग्नाइज ओवर द वर्ल्ड गिवन दिस फैक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी इन द मेन प्रोविजन मस्ट लुक सिमिलर। और जो एक जो नई चीज़ थी, द ओनली न्यू थिंग If they can be any in a constitutional framework so late in the days are the variation made to remove the faults। तो इसमें जो हमारे B.R. अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कंट्रीज ने फ्रेम किया है उन्हें
फ्रेम किया उन्होंने आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, तो इस टाइम पे भी जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लगते हैं वो सिमिलर लगते हैं, और जो कोई अगर कोई भी नई चीज़ लगती भी है तो इफ़ इट कैन बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम सो लेट इन द डेज आर द वेरिएशन जो हो जाते हैं फोल्ड से, एंड टू रिकमेंड टू अकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज इज बेस्ड आई एम श्योर ऑन एन एडुकेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें बी आर अम्बेडकर जी का आप पढ़ सकते हैं. सेकेंड है जो कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट का. क्रिटिसिज्म कुछ कहते थे कि जो फेमस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, इसलिए जो कार्बन कॉपी बोला जाता है 1935 एक्ट का और अमेंडेड वर्जन ऑफ 1935 एक्ट. अभी ऑब्जर्वेशन है एन श्रीवास्तव वाजन की, आप इसको देख सकते हैं, नॉट मच इम्पोर्टेंट. अब देखते हैं नेक्स्ट, अन इंडियंस और एंटी इंडियंस. क्रिटिसिज्म के हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन था और एंटी इंडियन, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट नहीं करता था जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे और स्पिरिट थी इंडिया की. ये इट्स दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया. नेक्स्ट देखते हैं अनगांधियन की. क्रिटिसिज्म के हिसाब से कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था अनगांधियन था, बिकॉज इसमें फिलोसफी जो आइडियल्स थे महात्मा गांधी के वो नहीं है, जो फादर्स हैं इंडियन नेशन के, उनका ओपिनियन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेज होना चाहिए और बिल्ड होना चाहिए विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नॉर्म्स पे. तो ये देख सकते हैं हम. फिर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एल्फेंटाइज साइज था कि जो ज्योग्राफिकल हमने जो ट्रिक भी याद करी GS HD, ये भी देख चुके हैं हम. फोर्थ पॉइंट में था उसमें पैराडाइज ऑफ द लॉयर की जो क्रिटिज्म के हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू लीगलिस्टिक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है. उनका ओपिनियन था कि जो लीगल लैंग्वेज और जो फ्रेजोलॉजी यूज़ की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बना देती है. तो सेम जो ईयर जोनिंग थे उन्होंने इसको लॉयर्स पैराडाइज बोल दिया था. तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लॉयर्स पैराडाइज किसने बोला था, तो ईयर जोनिंग आप मार्क कर सकते हैं अगर पूछा गया. तो गाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार टेबल कि जो हमारा पार्ट्स जितने भी हैं. तो पार्ट वन में यूनियन एंड टेरेटरीज आती है आर्टिकल 1-4, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप्स, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर में TPSP, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है पूरी, और पार्ट 6 डेट इज स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल जो डिलीट हो चुका था, जो हमने इसके फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा था कि जो हमारा 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन था उससे अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस थे, तो उसमें ये पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया था. पार्ट 8 UTs, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज जो पढ़ चुके हैं हम, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फंडामेंटल राइट बन चुका है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19 के अंदर, और 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. तो ये अभी सभी पार्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी इजी. आर्टिकल्स हो गए इम्पोर्टेंट. वैसे आपको सेपरेट वीडियो में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि जो जो आर्टिकल लक्ष्मीकांत में नहीं डिफाइन किए गए वो आपको हम पूरे डिफाइन करके दे रहे हैं, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं. क्योंकि अगर वो पूरी सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की और लक्ष्मीकांत प्लस जो NCERT की सीरीज आप वो ही कर लेते हैं कि आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है. उस करने के बाद आप टेस्ट पेपर लगाइए, आपका 90% प्लस मार्क्स आने निश्चित ही हैं. अब देख लेते हैं जो फीचर्स जो इसमें आ गए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं. वेट अ मिनट, तो ये सोर्सेज हैं. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली गई है. ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव जो रिट्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकमेरलिज्म, USA फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, रिमूवल सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का. तो गाइस जब इसको आप इतना कंसर्न मत होइए, जब आप पूरी बुक पढ़ते चलेंगे हमारे साथ तो आपको ये
हर जो चैप्टर जैसे आएगा फंडामेंटल राइट आए तो जो बिल ऑफ राइट था अमेरिका का उससे लिया गया था, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली कि ये यूएस से लिया जाएगा। तो बस एक बार इसको रीडिंग मार लीजिए, जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन था वो वहाँ से डीपीएसपी नॉमिनेशन मेंबर का राज्यसभा में और मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट का। फिफ्थ है जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टिंग ऑफ रेजुलरी पावर सेंटर के अंदर, अपॉइंटमेंट स्टेट का गवर्नर्स का बाय द सेंटर एंड जो एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143। अब सिक्स पॉइंट है जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कंकरेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इंटरकोर्स और जॉइंट सिटिंग दोनों हाउस की। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी। और एट्थ है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर जिसे रशिया बोलते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल से जस्टिस के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रीएम्बल के अंदर। नाइन्थ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, उससे लिया गया रिपब्लिक आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेंडलिटी प्रीएम्बल के अंदर। साउथ अफ्रीका से लिया गया अमेंडमेंट का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के और इलेक्शन में।